तो फ्रेंच ओपन के राउंड ऑफ 32 ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं। सारे रिजल्ट्स और वो सारी चीज़ों के बारे में कल के बारे में बात नहीं करेंगे। आज के जो मैचेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं कल से ज़्यादा। तो पहले ही शुरुआत करते हैं मैन सिंगल से। तो उसके अंदर एक बढ़िया सी मैच पहले होने वाली, विक्टर एक्सेलसन और उनके सामने होंगे एनजी कॉलंगस। मुझे एनजी कॉलंगस बहुत टाइम से मैं उनको देख रहा हूँ, एक लेवल तक वो जा ही नहीं पा रहे होते हैं, बट देखते हैं कल कैसा वो एक्सेलसन के सामने गेम लेके आते हैं। टाइमिंग अभी तक नहीं आया तो फिर ये मैच आपको देखनी हो तो देख सकते हो। सेकंड मैच जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है एंथोनी शिनजुका गिंटिंग और उनके सामने होंगे जॉनसनसन। और भाई इजी तरीके से गिंटिंग ये मैच जीत के भाई ऑफ कोर्स राउंड ऑफ 16 में चले जाएंगे। एक और मैच जो भाई लीजी जो लास्ट एक दो वीक से बहुत ही बढ़िया उनकी गेम प्ले दिखा रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि भाई पुराने वाले जो लीजी जिया थे वो वापस आ रहे हैं। उनकी मैच है वेंग एचओआई के सामने, देखते हैं लीजी जिया जीतते हैं मतलब डोमिनेशन वाली जीत लेते हैं या नहीं, बट यही चीज़ें थी। नेक्स्ट मैच जो बहुत ही बढ़िया होने वाले वो है सैन लक्ष्य और उनके सामने होंगे प्रणव एचएस। दोनों इंडिया के प्लेयर्स और दोनों अभी एकदम फायर मोड में चल रहे हैं, देखते हैं कि सैन लक्ष्य जीतते हैं या फिर पता ही है आपको कि भाई प्रणव एचएस जीत सकते हैं। दोनों में से कोई भी जीत सकता है, मेरा कोई भी इसमें प्रेडिक्शन नहीं होने वाला है। तो यही सारी चीज़ें मैन सिंगल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुमेन सिंगल्स के बारे में। वुमेन सिंगल्स में पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा भाई कॉन्ट्रोवर्सी थोड़ी बहुत हुई जिस पर्सन की, वो है कैरोलिना मरिन। उनके सामने है गाओ एफजे और ये मैच भाई इजी तरीके से कैरोलिना मरिन जीत जाएगी। ऑफ कोर्स आन सेंग थोड़ी बहुत उनके इंजरी है तो वो इस टूर्नामेंट में भी नहीं है, तो चांसेस हैं कि इस बार भी फिर भी चैन युफेई और जो मरिन है वो वापस एक दूसरे के सामने आ सकती है। नेक्स्ट मैच है जो भाई एक अच्छी खासी मैच हो सकती है, दो जापानीज प्लेयर्स एया ओहोरी और उनके सामने होंगी अकाने यामागुची, मेरी फेवरेट। कोई चांस नहीं बन रहा है कि यहाँ पे एया ओहोरी ज़्यादा जीते या फिर कुछ भी कर पाए, आसानी तरीके से जो भाई अकाने यामागुची है वो जीत जाएगी। और एक और अच्छी मैच जो है वो होने वाली है जो नोजोमी ओकुहारा है उनकी मैच होने वाली है पायू पो के सामने। पायू पो के कुछ मैचेस मैंने देखे, कुछ एनालिसिस भी की, एक अच्छी खासी प्लेयर है बट वो उस लेवल पे जा ही नहीं पा रही है। और ना मीडियोकर टाइप बोल सकते हैं कि जैसे मैन सिंगल्स के अंदर चोटिन चैन है, वो इतने अच्छे प्लेयर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट एक लेवल के ऊपर वो जा ही नहीं पाते हैं। क्या रीज़न से वो सारे मैं एक ब्रेकडाउन वीडियोज आएंगे उसके अंदर मैं बता दूंगा आपको, बट यही सारी चीज़ें थी। नोजोमी ओकुहारा के सामने पायू पो होगी, ऑफकोर्स इस तरीके से पायू पो जीत सकती है, बट नोजोमी ओकुहारा भाई वो आन सेंग को भी एक लेवल पे खींच चुकी थी जो लास्ट टू लास्ट मंथ में टूर्नामेंट थी ना उसके अंदर आन सेंग को फर्स्ट सेट क्या बढ़िया तरीके से हराया था, तो बोल नहीं सकते। और नेक्स्ट जो कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे वो है मेंस डबल्स। मेंस डबल्स में एक बढ़िया सी मैच होने वाली है, वो है कैनन्डो मार्टिन और उनके सामने होंगे चिया और सो। चिया और सो भाई लास्ट एक दो वीक से उनका जो मोमेंटम पूरा वाला पिजा मतलब पुराने वाला बोल सकते हैं कि वो वाला वापस आ रहा है, देखते हैं चिया और सो भाई कैनन्डो मार्टिन को स्ट्रेट टू हराते हैं या फिर थर्ड सेट जाता है नहीं जाता है। ये फर्स्ट मैच जो बढ़िया हो सकती है। नेक्स्ट मैच जो एकदम बढ़िया हो सकती है मैं मेरी तरफ से तो बोल ही सकता हूँ, वो है ली वोंग और उनके सामने मेरे फेवरेट जो है वो है होकी और कोबायाशी होंगे। होकी और कोबायाशी लास्ट जापान ओपन में मैंने देखा था कि भाई एक नेक्स्ट लेवल वो खेले थे, बट उसके बाद उस लेवल पे उनके गेम प्ले मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो देखते हैं कि ली वोंग के सामने वो अपना कौन सा गेम प्ले लगाते हैं। और भाई ऑफकोर्स ली वोंग भी अच्छे खासे डबल्स प्लेयर्स हैं, तो देखते हैं कि होकी कोबायाशी जीतते हैं या फिर ली वोंग जीतते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में हम बात करने वाले वो है वुमेन्स डबल्स। बात करें वुमेन्स डबल्स की तो उसमें मेरे फेवरेट वुमेन डबल्स प्लेयर्स जो है चैन क्यू और जिया वाई और उनकी मैच है स्टोवेवा और स्टोवेवा व सिस्टर्स हो सकती है शायद वो, तो इनकी मैच होने वाली है। इन दोनों की कोई चांस नहीं, स्टोवेवा लोग जीत सकते हैं, चैन क्यू और जिया वाई आसानी तरीके से मैच जीत जाएंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट एक मैन वुमेन्स डबल्स मैच जो बहुत ही बढ़िया हो सकती है वो है मत्सुयामा शीडा और उनके सामने होने वाली है एमसर्ड और एमसर्ड बी और एमसर्ड एन, ये भी सिस्टर्स हो सकती है। तो मत्सुयामा शीडा अच्छा खासा गेम प्ले उनका लास्ट दो तीन वीक से मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दिखा रहे हैं, बट एमसर्ड लोग क्या करते हैं क्या नहीं वो कल ही हम देख पाएंगे कि भाई कौन सा स्कोर कितना कर पाते हैं, बट चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि मत्सुयामा शीडा इसी तरीके से मैच जीत जाएंगे। और नेक्स्ट कैटेगरी जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है फाइनली मिक्स डबल्स। जेंग और हुआंग ऑफकोर्स वर्ल्ड नंबर वन, उनके सामने होंगे एलिस और स्मिथ। एलिस का जो आप इंस्टाग्राम जाके आपको फॉलो करना चाहिए, जो एलिस और स्मिथ है ना उनका भाई उनका पर्सनल अकाउंट जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, बहुत ही अच्छे खासे वो बैडमिंटन के टिप्स देती रहती है कि कैसे सीखना चाहिए बैडमिंटन और सारी चीज़ें।
तो वो चीज़ें हैं, बट जेंग और हुआंग इसी तरीके से इनके सामने जीत जाएंगे। ऑफकोर्स इस बार मेरे फेवरेट मिक्स डबल्स प्लेयर्स वतनाबे और इगाशिनो खेल रहे हैं, बट उनकी मैच ईजी है तो उसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करते हैं। एक और मैच जो मैं देखना चाहता हूँ वो है, एक टाइम था जब मैं बैडमिंटन खेलता था एज अ मैं भी कोच था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे जो पर्सन थे जॉर्डन और ओक्टिया बेंती। ऑफकोर्स तो जॉर्डन की जो स्मैशेस थी भाई साहब, मुझे बहुत ही पावरफुल लगते थे। लाइक उन्होंने स्मैश मारी है तो चांसेस बहुत ही कम है उन्होंने पावर लगा कि सामने वाले डिफेंड कर पाए, बट पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि यार उस लेवल पे उन दोनों का कोऑर्डिनेशन भी नहीं बन रहा है। क्या है क्या नहीं वो भाई उस चीज़ में नहीं पढ़ते हम, बट वो उनकी मैच होने वाली है जोमको और पेउरा ऐसा कुछ संप्रन, सॉरी मैं अगर गलत नाम बोल रहा हूँ, उनके सामने तो देखते हैं उनमें से कौन जीता है। मुझे भाई चांसेस लग रहे हैं कि भाई जॉर्डन लोग थोड़ा बहुत अच्छे खासे गेम प्ले दिखा देंगे और जीत भी सकते हैं। नेक्स्ट फेंग और हुआंग, ये दोनों ऐसे चाइनीज़ प्लेयर्स हैं जो फेंग ऑफकोर्स चेंज हो के आए हैं क्योंकि हुआंग के साथ एक और प्लेयर थे जो बहुत ही बढ़िया थे, बट उन्होंने क्यों चेंज किया है क्यों नहीं भाई उन्होंने छोड़ दिया मतलब पार्टनर को, तो उससे फेंग उनके बदले आए। बट फेंग भी भाई बहुत ही बढ़िया हुआंग के साथ खेलते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले जो प्लेयर्स थे वैसे ही खेल रहे हैं। तो उनकी मैच है टैंग टीएसई के सामने, ये भी एक बहुत ही बढ़िया मिक्स डबल्स मैच होने वाली है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये मैच देखनी चाहिए। तो यही सारी मैचेस और सब कुछ थे, तो राउंड ऑफ 32 की ये सारी मैचेस बहुत ही बढ़िया होने वाली है। टाइमिंग्स और सब कुछ मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूंगा या फिर कोई वीडियो भी शायद आ जाएगा। तो ये सारे मैचेस थे, लाइक करो और कमेंट में लिख दो कौन सी मैचेस के लिए आप एक्साइटेड हो।